काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुँचा है इस शहर खास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीखी मस्जिद जो है हमारी वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। तो ये बहरहाल एक आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब तआवुन करेंगे, ये जो मोहल्ला नज़र आतिश हुआ है इंशाल्लाह इसको फिर से खड़ा करेंगे। मस्जिद के हवाले से भी इंशाल्लाह इंतज़ामिया जो है इस मस्जिद की, बहरहाल उनकी कोताही है क्योंकि इन्होंने कई बार मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने उनसे कहा कि जो इंतज़ामिया है उसको ज़रा दुरुस्त करें, ये इस बात को यकीनी बनाएं, क्योंकि पिछले साल भी जो सानहा यहाँ पेश आया वो भी इसी का शाख्साना था। इसलिए अब हमें इस बार अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि हम सबको आगे आना है। मैं अपील करूंगा आपके चैनल्स के तवसुत से कि जो ही यहाँ पे मोहल्ला कमेटी कोई अकाउंट नंबर हमें देगी उसमें सब लोग अपना तआवुन दें, जो खासकर जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो हमारा बिज़नेस तबका है, वो सब सामने आए और इनकी मदद करें, इनकी मामनत करें, ताकि ये इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हो। सर, यहाँ के लोगों से आपने बात की है तो प्रशासन को क्या अपील है? प्रशासन की भी जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनकी भी भरपूर मदद करें। और सबसे पहले ये कि तो इसका ये पता चलना चाहिए कि वजह क्या है इसमें, ये जो आग निकली है, ये आज आग कैसे इतनी जो है वो फैल गई। अगर जब हमें इस बात का एहसास है कि ये बहुत ही गुंजान आबादी का इलाका है, कुछ शिकायतें ज़रूर आई हैं फायर डिपार्टमेंट की, थोड़ा लेट हो गया, पानी नहीं था, बहरहाल वो इंतज़ामी मसले हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लोकल्स भी कह रहे थे कि पुलिस वगैरह ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, तमाम अफसर वगैरह खुद यहाँ पर रहे, उन्होंने भी मदद की। तो मैं समझता हूँ कि यही जज्बा है कि हम सबको इस वक्त एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को हौसला देना है। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो हमारा जो इस वक्त तबका है, मुतवसत तबका है, वो सामने आए, जो हमारा बिज़नेस कम्युनिटी है वो सामने आए, हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस मोहल्ले को फिर से खड़ा करें।